गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मकंत आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न सुनते। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बिच कमल है उदल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके। शेष 88 पांच में और 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। दसमा तो अवतार है, दसमा जो अवतार है हिमालय का नीर, भौतक गोते खाएंगे नो सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनु ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचारे, इनको माया जानियो ये नौ दसमा अवतार। कृष्ण कन्हैया राम है बलि बावन अवतार, हिरण्याकश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, ये करता हो उतरे ये माया के रघुबीर। धरता को करता कहे ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेटा नहीं तो जिसको कहिए लोए। लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर रसी आकाश। गरीब आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुभान है तिथि बारा ने मास बारा मास। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से गरीब दास जी के, कस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े मैकंत। कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहां पर कबीर परमात्मा रहते हैं, सहस 88 ना गए वो 2400 पर चौके, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। फिर से 88 पांच में इन 2500 को पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूच। अब सभी की सतिथि बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये वेद है। केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाह है कि
88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थाई नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहां इस लोक में आकर गलत साधना करके, और क्या स्थिति होगी आपकी? मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, जब तू सतलोक से आया, एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था, अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में, वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से आपके पुनों को वहां सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कोई लोक कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन होगे उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहां कोठी बंगले और ये प्लाट प्लूट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।